नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज नेशनल में। मैं हूं आपके साथ संगीता अग्निशी। कोरोना से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट को लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। क्या है देश का हाल, क्या है प्रदेश का हाल, कहां लगा लॉकडाउन, कहां बढ़ा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा, ये तमाम जानकारी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की, जहाँ पर देश में कोरोना की जो दूसरी लहर है वो भयावह रूप ले रही है और एक दिन में 1 लाख से ज्यादा का जो आंकड़ा है वो पार हो रहा है। ये देखते हुए केंद्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही हैं और आने वाले समय में सख्ती से नियम लागू करने का संदेश जारी कर रही है। साथ ही बार बार केंद्र सरकार अपील कर रही है कि मास्क और सैनिटाइजर जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाए और इसके साथ ही कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो इस वक्त महाराष्ट्र की हालत बेहद खराब है। कोरोना बेलगाम होता दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में, जहां पर महाराष्ट्र में अब तक 50,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और ये महाराष्ट्र में अब तक के सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। और वहीं बीते 24 घंटों में अगर बात की जाए तो 50,000 से ज्यादा के मामले ही सामने नहीं आए हैं। वहीं अब मरने वालों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ गया है, 222 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। और इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अब कोरोना के लिए सख्ती दिखाई है, कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए सख्ती से आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही वीकेंड लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, जिसके तहत शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे से लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा साथ ही नाइट कर्फ्यू, कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू को लेकर भी पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी अब कोरोना को लेकर सख्ती दिखाई गई है प्रशासन ने और कहा गया है कि कोरोना की 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आनी है, तभी आपको प्रदेश के अंदर दाखिला मिलेगा। इसके अलावा वहां पर नौवीं कक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। और साथ ही अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फैसला लिया है कि नौवीं की जो कक्षाएं हैं उनको 2 हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, साथ ही 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। और साथ ही इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब में जहाँ पर स्थिति भयावह होती जा रही है, जहाँ पर नए स्ट्रेन के मामले भी 80% नए स्ट्रेन के मामले अगर देखे जाए तो पंजाब से आए थे, और इसको देखते हुए पंजाब सरकार ने भी कई जगह पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद उन्होंने बार बार जनता से अपील की है कोरोना के नियमों का पालन किया जाए, सख्ती से पालन किया जाए, मास्क और सैनिटाइजर जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही मास्क ना पहनने वालों पर भी सख्ती दिखाई जा रही है प्रशासन की तरफ से और चालान काटा जा रहा है। और वहीं अगर बात करें पंजाब के पटियाला की, तो वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, मास्क और सैनिटाइजर भी बांट रहा है चालान काटने के साथ। तो ये एक अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकारें हैं जो अपने अपने तरीके से इस कोरोना की जो महामारी है इससे निपटने की कोशिश कर रही हैं। तो ये तो था देश और प्रदेश का हाल। आपके शहर में क्या हाल है कोरोना को लेकर, क्या आंकड़े हैं, क्या स्थिति है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें इंडिया न्यूज़ नेशनल।